ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लॉकडाउन का तीसरा फेज भी आज से शुरू हो गया है और यहाँ पर जोन डिवाइड किए गए, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, और उसके हिसाब से सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। और अब हम अपने दो सहयोगियों का रुख करते हैं, क्योंकि जो दोनों सहयोगी जहाँ जहाँ से जुड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहे हैं। अगर कोरोना केसेस की बात करें तो जयपुर से नरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जोधपुर से राजीव जुड़ रहे हैं और अजमेर से कौशल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत जयपुर से करती हूँ। नरेश, अब तक सबसे ज्यादा नंबर 1000 क्रॉस अगर आंकड़ा हो जाता तो जयपुर की स्थिति बेहतर नहीं है। अब ये जो तीसरा लॉकडाउन जो आज से शुरू हुआ, जिसमें कुछ रियायत की बात भी कही गई है, सशर्त छूट की बात कही गई है, उसके बाद क्या कंट्रोल हो पाएंगी सिचुएशन? देखिए सुषमा, आज से लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो चुका है और हम पिछले जो दो लॉकडाउन देखे हैं उसकी बजाय आज कुछ बदला सा जयपुर नज़र आ रहा है। राजधानी की जो सड़कें हैं जो अब तक सूनी पड़ी थी, वहाँ पे अब ट्रैफिक है वो सरपट दौड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अभी लोग वही बाहर आ रहे हैं जिनको रियायत मिली है, जिनको छूट मिली है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आवश्यक सेवाओं के हो, चाहे सरकारी कर्मचारी वही हो। हम जो है वो जयपुर के रामबाग चौराहे पे खड़े हैं जो सबसे व्यस्तम चौराहा होता है, और यहाँ पे फिलहाल हम आपको ट्रैफिक की स्थिति दिखाते हैं कि इससे पहले शुरू के जो दो लॉकडाउन थे वहाँ पर लगातार हमने देखा था कि सड़कें पूरी तरह से सूनी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर वाहन आप देख सकते हो लगातार वाहन आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आप देख सकते हो कि बिना जाँच के, बिना पूछताछ के किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जिनके पास पास है या वो जिन क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनको छूट मिली है, उन्हीं लोगों को आगे आने दिया जा रहा है। हालांकि पूरी सड़क पे देखिए टोंक रोड का आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, आपको वाहनों का काफिला नज़र आएगा दूर से देखने पे। अब तक जो दो लॉकडाउन थे उसमें ऐसे वाहनों की संख्या बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, बिल्कुल सूनी टोंक रोड नज़र आती थी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि सुबह से ही जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं, क्योंकि लंबे समय बाद ये कह सकते हैं कि आज उनको खुली हवा में जो सांस लेने का मौका मिला। लेकिन ये खुली हवा भी सरकार ने दी है, सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो वाहन आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, वो पूरी जांच के बाद उनको जाने दे रहे हैं, उनका पास देख रहे हैं किस काम से आए हैं। उसके बाद ये तस्वीरें जयपुर की बहुत दिनों से लोग देखना चाहते थे लेकिन नहीं मिल रही थी तस्वीरें, आज देखिए कि कैसे लोगों की ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। हमारे साथ जोधपुर से राजीव भी है। राजीव, लॉकडाउन 3 का ये अगर हम शुरुआत की बात करें तो वहां की तस्वीर क्या है जोधपुर की? देखिए यहाँ की बात करें अगर तो दुकानें तो खुलना शुरू हो गई है, जो अलग अलग क्षेत्र चिन्हित किए गए उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ दुविधा है कि आखिर वो परमिशन किससे लें। अभी पुलिस के अधिकारी आए, जवान आए, वो परमिशन मांग रहे हैं। अगर एक एक व्यक्ति को, पहली बात तो घर से निकलने की अनुमति नहीं, और निकलने की अनुमति है, अभी आधी दुकान तो बंद भी कर ली है। अभी जिस तरीके से लोगों से जरा बात कर लेते हैं, आज अभी आपने बड़ी उम्मीद के साथ में दुकान खोली, अब क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी प्रशासन आया बंद करने के लिए, क्या बंद करो, परमिशन लेके आओ। अभी परमिशन लेने की तब कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए कि परमिशन की जानकारी ऐसे लोगों को नहीं है, कई दिनों बाद आज 1.5 महीने बाद जब दुकानें खुली है तो कुछ और लोग जो है हमारे उनसे बात कर लेते हैं, जरा क्या किस तरह की जो परेशानी है वो आ रही है? परेशानी सर, पहली बात तो ये है कि आज 1.5 महीने बाद में जब घर से बाहर निकले तो आधे रास्ते तो बंद पड़े हैं। अच्छा है रास्ते बंद करने चाहिए, बट 2 व्हीलर निकलने जितनी जगह कहीं से छोड़नी चाहिए। और उसके बाद में आज भी जैसे आज हमने आके सुबह को दुकान खोली है, घंटे पर दुकान खोलने के बाद में प्रशासन के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आ रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, कलेक्टर के आदेश आए हैं कि जो 13 इलाकों के अलावा दुकानें खुल सकती हैं उन इलाकों के अंदर वही एक ये स्पष्ट नहीं है कई कई जगह पर स्थितियां, जिस वजह से ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है और व्यवसायियों को भी हो रही है। कौशल, अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में लॉकडाउन 3 का ये जो 3 फेज है ये कैसा दिखाई दे रहा है अभी शुरुआती? देखिए सुषमा, जहाँ तक हम बात करें सोशल जो लॉकडाउन का तीसरा फेज़ है तो अजमेर के लिए राहत की खबर उन लोगों के लिए खासतौर पे है जो लोग अजमेर में आए हुए हैं और देश के अनेक इलाकों से थे, जिन्हें आज रवाना किया जा रहा है विशेष स्पेशल ट्रेन से। हम इस समय खड़े हैं अजमेर के रेलवे स्टेशन पर और मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो रेलगाड़ी को दिखाएँ जिस रेलगाड़ी के अंदर
कलकत्ता की ओर जाने वाले जो जायरीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय यहाँ पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद हैं, दरगाह कमेटी के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद हैं। तो यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहिती भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष विजय जैन से और पूछेंगे कि जो व्यवस्थाएँ ये की गई हैं इनको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अजमेर की पीड़ा थी, करीब 4,500 व्यक्ति यहां जायरीन डेढ़ महीने से फंसे हुए थे, उन व्यक्तियों को जो है पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम जो है ट्रेन यहाँ अजमेर में लगवाई, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद। वास्तव में जो डेढ़ महीने से फंसे हुए उनको बहुत राहत मिली है और बहुत अजमेर के वासियों को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान सरकार ने ऐसी पहल की है। तो निश्चित रूप से अजमेर के निवासियों को बहुत राहत की खबर हुई है, उन लोगों को भी राहत की खबर रही है। बाइटी जी आप क्या कहेंगे इस पूरी? मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का कि जिनकी पहल पे ट्रेन चली है, वो साथ ही धन्यवाद करता हूं हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जिंदुलवाल साहब का, उन्होंने 8 लाख रुपए इस व्यवस्था के लिए दिए ताकि ये लोग जा सके। साथ ही मैं अपील करता हूँ कि वो जो दूसरे स्टेट के लोग हैं यानी कि लोग ये जो छूट मिली है उससे खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह कि इस छूट में अगर जरा सी चूक हो गई तो हम फिर से पीछे चले जाएंगे। जो इतने दिन तक हम कैद थे, पूरी तरीके से चीज़ें एकदम शील्ड कर दी गई थी, उसमें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपील एक बार फिर से कि ठीक है, अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकी जो गाइडलाइंस है, मास्क जैसी, सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसी गाइडलाइंस, उनका पालन ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।